मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबले में पृथ्वी शॉ के चोटिल होने के कारण स्टीव स्मिथ को दिल्ली की तरफ से इनिंग की ओपनिंग करने का मौका दिया गया। स्टीव को इस फेज में पहली बार मैदान में उतरने का मौका मिला और उन्होंने इस मौके का अच्छा खासा इस्तेमाल भी किया, लेकिन उन्होंने मैदान पर कुछ ऐसा भी कर दिया कि सोशल मीडिया में उन पर जमकर मीम्स बन रहे हैं। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स की पारी का 13वां ओवर था और केकेआर की ओर से तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन गेंदबाजी करने आए और ओवर की पहली ही गेंद पर स्मिथ स्कूप शॉट खेलने के चक्कर में खुद को चोट लगा बैठे। स्मिथ स्कूप शॉट लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन गेंद अपनी ही जांघ पर मार बैठे और इसके बाद मैदान पर ही लेट गए। मैदान पर उनके लेटने की यही तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। स्मिथ ने इस मैच में मिले मौके का अच्छा फायदा उठाया और टीम के लिए 34 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 39 रन बनाए। मैच की बात करें तो दिल्ली को इस मैच में कोलकाता के खिलाफ 3 विकेट से हार झेलनी पड़ी।